जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है, जी हाँ, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो SSC कांस्टेबल GD की रिक्रूटमेंट के बाद आप लोग की एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है और रिक्रूटमेंट है आप लोग की 1171 पोस्टों पर। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है। क्या है रिक्रूटमेंट, कैसे आप लोग के अप्लाई होंगे, आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाले वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे और यहीं पर आप लोग का जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर नहीं है, मेरे पास है तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है यहाँ पे। जी हाँ, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1521 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 150 वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग की दोनों पोस्टों की जानकारी दे दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को नीचे जानकारी दी गई है, टेबल 1 में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दिया गया है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो भी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं जहाँ जहाँ पे उस जगह का नाम यहाँ पे दिया गया है, किस रैंक के लिए आप लोग की वैकेंसी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल के लिए वैकेंसी है, उसके सामने आप लोग को वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो यदि आप लोग अगरतला सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, जैसे बंगला, कोड़वा, कोरवा, मिट्री, तुसी वगैरह, ठीक है, तो ये आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार से यदि आप अहमदाबाद सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसियां अलग अलग दी हुई हैं, लेकिन यहां पे आप लोगों को गुजराती लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, लोकल लैंग्वेज आप लोग की गुजराती होनी चाहिए, आइजवाल की दी है, अमृतसर की दी है, आप लोग की जो पंजाबी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी डिटेल दी गई है, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की। इसी प्रकार से बेंगलोर के अंतर्गत आप लोग की लोकल लैंग्वेज कन्नड़, गुल्लूर, बेरी, कोन्नई, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भोपाल के लिए आप लोग की हिंदी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, भोपाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए वैकेंसी दी गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की। इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, जनरल, OBC, SC, ST, EW सभी के लिए वैकेंसी है, किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आप लोग भुवनेश्वर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए अप्लाई करते हैं तो उड़िया लोकल लैंग्वेज आप लोग की होनी चाहिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट की और MTS की वैकेंसी दी गई है पूरी। चंडीगढ़ के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे हिंदी या फिर पंजाबी आप लोग की यहाँ पे लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें आप लोग को वैकेंसी की डिटेल दी गई है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और इसी प्रकार से MTS की। चेन्नई के लिए आप लोग की लोकल लैंग्वेज यहाँ पे तमिल होनी चाहिए, वैकेंसी की डिटेल दे दी गई है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी। इसी प्रकार से देहरादून के लिए आप लोग देहरादून इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग की लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी होनी चाहिए, इसमें आप लोग की सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी की डिटेल दी गई है, वैकेंसी कम है। चलिए इसके बाद आप लोग को दिल्ली हेडक्वार्टर, जी हाँ, दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर के लिए आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की 277 वैकेंसी यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। और MTS के लिए आप लोग की 53 काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लोकल लैंग्वेज आप लोग की हिंदी, पंजाबी, उर्दू होनी चाहिए, इनमें से कोई भी लैंग्वेज है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो दिल्ली हेडक्वार्टर में काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। डिब्रूगढ़ में आप लोग देखेंगे वैकेंसी है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी दी है, इनमें से कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, जानकारी आप लोग की होनी चाहिए, मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, एग्जाम भी होगा इसका। सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी दी है और MTS की वैकेंसी दी है। इसी प्रकार से गंगटोक में आप लोग देखेंगे नेपाली, भूटानी, लिपचा, तिब्बती आप लोग की जो है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। गुवाहाटी के लिए आप लोग देखेंगे पूरी लैंग्वेज की जानकारी दी गई है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी। हैदराबाद के लिए तेलुगु लोकल लैंग्वेज आप लोग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी की जानकारी दी गई। तो जितनी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सभी की डिटेल यहाँ पे दी गई। इम्फाल IB के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की जानकारी दी है और वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी दे दी है। ईटानगर के लिए आप लोग देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज आप लोग की क्या होनी चाहिए और इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी की जानकारी। जयपुर के लिए आप लोग की लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी होनी चाहिए, हिंदी की जानकारी आप लोग की होनी चाहिए यहाँ पे और सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी की जानकारी दे दी है। जम्मू में भी इसी प्रकार से, कोहिमा में आप लोग देखेंगे, कलिम्पोंग में आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ, जितने भी आप लोग की सब्सिडरी IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आप लोग की वैकेंसियाँ निकाल दी गई। कलिम्पोंग में आप लोग देखेंगे, कैलकाटा में आप लोग की बंगाली और सेटली आप लोग की जो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी की जानकारी दे दी है। लेह के लिए आप लोग लद्दाखी, तिब्बती, बल्टी, ढोकला, सिंगला, पगड़ी वगैरह आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। लखनऊ आप लोग जो है हिंदी लोकल लैंग्वेज है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं।
पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी और एमटीएस की वैकेंसी, मेरठ लोकल लैंग्वेज हिंदी है आप लोग की, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी की जानकारी, मुंबई मराठी एंड कोंकणी की जानकारी, आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है सिक्योरिटी असिस्टेंट की मुंबई, मुंबई इंटेलिजेंस ब्यूरो में जी, एमटीएस की भी वैकेंसी ठीक ठाक है। नागपुर में आप लोग देखेंगे मराठी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और आप लोग की वैकेंसी की जानकारी है। पटना हिंदी लोकल लैंग्वेज आप लोग की होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी दी गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 44 वैकेंसी है और एमटीएस की आप लोग की 3 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से रायपुर की भी जानकारी आप लोग को दी गई जी है। रायपुर सब्सिडरी आप लोग की जितनी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है सभी की जानकारी दी गई है। रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और विजयवाड़ा आपके लोकल लैंग्वेज की जानकारी दी है। इनमें से कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज आप लोग की होनी चाहिए। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर भर्ती देखो पर जाकर के आप लोग इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम में आप लोग की मलयालम लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, वाराणसी के लिए आप लोग की हिंदी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, विजयवाड़ा के लिए तेलुगु आप लोग की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, शिमला के लिए आप लोग की हिंदी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो वैकेंसियाँ बहुत ही अच्छी है, टोटल वैकेंसी मैंने आप लोग को बता दिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, 1521 सिक्योरिटी असिस्टेंट की और 150 एमटीएस की वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 1671 वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आज आप लोग के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एज लिमिट एजेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए। यहाँ पे आप लोग फुलफिल क्राइटेरिया ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे, ठीक है, और वैकेंसियाँ रिजर्व हैं, यहाँ पे देख लेंगे किसके किसके लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व है। फुल नोटिफिकेशन से भी आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी, बट इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन फॉर पोस्ट, जी हाँ, आप लोग की पोस्ट के लिए आप लोग को बता दूँ यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, डिटेल में आप लोग को बताया गया है, वैकेंसी से रिलेटेड ही जानकारी आप लोग को दी गई है। पे स्केल आप लोग की जो है 21,700 से 69,100 आप लोग की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए सेलेक्ट होते हैं, एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी होने वाली है। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोगों को कर दूं, अलग अलग पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्टों के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए एलिजिबल हैं आप लोग उसके लिए अप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग की जो है यहाँ पे 10th क्लास, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग की निकल के आ रही है, ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, प्रोसेसन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग के पास, जिस स्टेट के अगेंस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो भी आप लोग की सब्सिडरी यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आप लोग देख लेंगे कौन कौन से राज्य के कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है, किस किस स्टेट की वैकेंसी दी गई है तो उसकी लोकल लैंग्वेज और आप लोग के पास डोमिसाइल होना चाहिए उस राज्य का, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी है, 10th क्लास पास और प्रोसेसन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाई, जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। डिजायरेबल में इंटेलिजेंस वर्क की जानकारी मांगेगी, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10th प्लस डोमिसाइल आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए। एज आप लोग की 18 से 27 रहने वाली है यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट 25/11/2022 को आप लोग की एज काउंट होगी और एमटीएस के लिए आप लोग की 25/11/2022 को ही एज काउंट होने वाली है। जनरल की एज है ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है, यानी कि यदि आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ओबीसी वाले 30 साल तक और एससीएसटी वाले यहां पे 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एमटीएस के लिए ओबीसी वाले 28 साल तक और एससीएसटी वाले 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज आप लोग की ठीक ठाक है। एज के बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं सारी डिटेल दी गई है आप लोग, सिक्योरिटी लायबिलिटी, सर्विस लायबिलिटी आप लोग की है, आप लोग ऑल ओवर इंडिया जॉब की लायबिलिटी रहेगी, कहीं भी आप लोग की पोस्टिंग की जा सकती है जरूरत पड़ने पर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप लोग का टायर 1 होने वाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों का पेपर एक ही होने वाला है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोग के होंगे, एक ईच क्वेश्चन आप लोग को जो है 5 पार्ट आप लोग के होने वाले, यानी कि सभी पार्ट आप लोग के 20-20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी आप लोग की आने वाली है, 20-20-20, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। इसके बाद आप लोग का टायर 2 होने वाला है जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और जो आप लोग की लोकल लैंग्वेज होगी उसको इंग्लिश में जो कन्वर्ट करना होगा इसकी जानकारी आप लोग को लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मार्क्स आप लोग के 40 नंबर होंगे, 1 घंटे का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। टायर 2 में ही आप लोग का सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अलग से
लोकल लैंग्वेज मीन्स एबिलिटी की जानकारी, स्पोकन की जानकारी आप लोग की होगी 10 नंबर की, ठीक है। 50 नंबर का सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों को हो जाएगा, एमटीएस वालों को 40 नंबर का होगा, एक घंटे का ये पेपर होने वाला है। इसके बाद टायर 3 आप लोग का जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू 50 नंबर का आप लोग का होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग का टायर 1 टायर 2 टायर 3 आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आप लोग का टायर 2 में देख सकते हैं एमटीएस के लिए 40 में से 16 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए और 50 में से 20 नंबर चाहिए टायर 2 में सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट 50 नंबर और एमटीएस का 40 नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे प्रोसेस होगा और फिर इसके बाद आप लोग का टायर 3 है जो कि 50 नंबर का होने वाला है और फीस आप लोग की लगने वाली है। यदि आप लोग जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को यहाँ पे 500 रुपये फीस लगेगी, 450 रुपये फीस और 550 रुपये आप लोग की प्रोसेसिंग चार्ज है, 500 रुपये फीस लगेगी। लेकिन यदि आप लोग वुमेन हैं और एससी एसटी से आप लोग आते हैं तो आप लोग की कोई फीस यहाँ पे लगने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीस आप लोग की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। लेकिन वुमेन एससी एसटी वालों को 50 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, ओनली और ओनली 50 रुपये। इसके अलावा बाकी की डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, लास्ट डेट आप लोग की 25/11/2022 रहने वाली है। 25/11/2022 को ही आप लोग की एज काउंट होगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट 18 से 27 और एमटीएस 18 से 25 साल एज, जनरल वालों की ओबीसी एससी एसटी को बेनिफिट मिलता है। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है बहुत ही जल्द आप लोग इसका फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होते हैं, फुल नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पे लिखूंगा। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।